हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं दाल फ्राई की रेसिपी, जिसे भगोसे भी कहते हैं, पनगोजा भी कहते हैं, कई कई नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। ये वो खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं और स्वादिष्ट चटपटे लगते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है हमने 1 कप आटा, सूजी 1/2 कप, 1/2 चम्मच छोटा नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1 चम्मच तेल, आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे। आटा हमें इस तरीके से गूंथना है जिस तरीके से हम पराठों का आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से गूंथना है हमें आटा। इस तरह से हम अपना आटा तैयार कर लेंगे। ना ही हमें ज़्यादा गीला आटा करना है और ना ही एकदम सख्त आटा गूंथना है। हमें नॉर्मली जैसे हम पराठों का आटा तैयार करते हैं उस तरीके से हमें डो लगाना है। इस तरीके से हमारा आटा गूंथ के तैयार है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इधर लिए हमने स्टफिंग के लिए चना दाल 1 कप, जिन्हें हमने सोख करके रख ली। हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। इधर लिए हमने 2 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 हरी मिर्च, इन्हें भी साथ में पीस लेंगे। इधर लिए हमने 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, इसे भी साथ में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए हमें दरदरा पीसना है। हमने इसमें 2 चम्मच पानी डाला था तब हमने इसे पीसा, आप भी इसे पीस सकते हैं। इधर लिए हमने हरी मटर, हम इसमें भी डाल देंगे हरी मटर दाल में, बारीक कटा हुआ प्याज, हमें इसे इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला 2 पिंच, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल लगकर तैयार है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है। इधर चटनी के लिए लिया है हमने हरा धनिया पत्ता, नींबू का रस, 1 नींबू का रस लिया है इधर हमने, 4 से 5 हरी मिर्च, नमक, इसे भी अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इधर लिया है हमने टमाटर लाल चटनी के लिए, दो टमाटर लिए इधर हमने, 4 से 5 लहसुन की कलियां, नमक 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, प्याज मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, इसे भी मिक्सर में ग्राइंड करके हमने दोनों नई चटनी बना के तैयार कर ली है। अब इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, इस तरीके से आपको भी बना लेने हैं। इस तरीके से हमें छोटी छोटी पूड़ी बनानी है। इधर हमने पूड़ी बना के तैयार कर ली है। इसके चारों तरफ गोलाई में पानी लगा देना है आपको, फिर स्टफिंग रखनी है और इसे जिस तरीके से हम गोजा बनाते हैं उस तरीके से इसे उंगलियों की सहायता से दबा के तैयार करना है। उसी तरीके से हमें देखिए हमारे भगोसे और गोजा बिल्कुल बनके तैयार है।
देखिए हमने अपने भंगोजे बना के तैयार कर लिए हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। इधर हमने पनगोजे बनाने से पहले गैस पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। उसमें डाला था 1 चम्मच तेल। तेल इसलिए डाला था क्योंकि उबलते समय ये आपस में चिपके नहीं, तेल डालना ज़रूरी है। आप भी तेल डालिएगा। अब इधर देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने सारे पनगोजे यानी कि बखोसे डाल देंगे। यह बहुत उत्तर प्रदेश की फेमस रेसिपी है, जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। कोई फरा कहते हैं, कोई दाल फरा बोलते हैं, कोई पनगोजा बोलते हैं। देखिए इसमें हमारे उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद ये अपने आप तैर कर ऊपर आ जाएंगे। आपको उससे चम्मच से इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो ये फटने का डर है इनका। जब उबाल आ जाए इनमें, तब इस तरीके से आप धीमे धीमे पलट दीजिएगा। इस तरीके से पलटने आपको, इस तरीके से पलटने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं और दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब ये उबल चुके हैं, इनको उबलने में 20 मिनट का टाइम लगा है। इसे हम जालीनुमा बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, जो भी इसके अंदर पानी बचा है। देखिए ये बिल्कुल उबल कर तैयार है, इन्हें हमने निकाल लिया है बर्तन में से, कढ़ाई में से। कढ़ाई में रख दिया हमने तेल गर्म होने के लिए। इधर देखिए इसे आप चाहो तो साबित ही फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से काट के फ्राई कर सकते हो आप। देखिए इसको हमने इस तरीके से काट लिया है और ये देखने में बिल्कुल इस तरीके से लग रही है। जब आप इसे बनाएंगे, बना के फ्राई करके खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये खाने में। देखिए इस तरीके से आपको भी कट कर लेना है। इधर हमने एक छोटा चम्मच डाल दिए इसमें राई, सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, साबित हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें डाल देंगे हम अपने कटे हुए पनगोजे। पनगोजे इसीलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये पानी में उबाले जाते हैं, इसलिए कई जगह पे इन्हें पनगोजे भी कहते हैं। अब इसमें डालेंगे ऊपर से नमक। नमक आप अपने ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने कई बार इसमें नमक डाला है, उस अनुसार आप नमक डालिएगा। अब डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिला के चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं आप। कई जगह पे तो ये दाल से भी खाए जाते हैं। अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनमें डाल देंगे हम कटा हुआ धनिया पत्ता। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे पनगोजे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइएगा इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर। दोस्तों ये झटपट से बन जाने वाली बहुत ही आसान, जो कि घर पर रखे सामान से ही बन जाने वाली रेसिपी है कुछ ही मिनटों में। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ भी किस तरीके से आप खा सकते हैं। बिल्कुल ये इडली सांभर जैसा नाश्ता है, जिस तरीके से हम इडली फ्राई कर लेते हैं, पर इसमें चने की स्टफिंग है इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। देखने में बिल्कुल इस तरीके से लगता है जिस तरीके से हमने इडली फ्राई की है। दोस्तों आप भी अपने घर इसे ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी हमारे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।
चलिए मिलते हैं अग्नि लाइट रेसिपी के साथ भूमिका कुमारी 999। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।